नमस्कार साथियों, स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में हमने सिसोदिया वंश की शुरुआत करी थी। और सिसोदिया वंश में हमने दो शासकों को देखा था। एक तो महत्वपूर्ण शासक हुए हमीर सिसोदिया और दूसरे क्षेत्र सिंह या फिर खेता। अगले शासक की बात आएगी तो क्षेत्र सिंह के पुत्र हुए राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा, जिनका नाम आता है लक्ष्य सिंह। राणा लाखा का शासनकाल आता है 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। हमने बात करी कि क्षेत्र सिंह ने किसके खिलाफ आक्रमण किया था, किसके खिलाफ युद्ध किया था। बूंदी के शासक लाल सिंह के खिलाफ, लाल सिंह। और लाल सिंह के खिलाफ जब युद्ध किया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र राणा लाखा यहाँ का शासक बनेगा। तो मृत्यु हो गई थी इनकी 1382 ईस्वी में। 1382 के बाद जो शासन व्यवस्था संभालेगा वो है राणा लाखा या फिर राणा लक्ष्य सिंह। अब राणा लक्ष्य सिंह के पिता की मृत्यु किसने की है? बूंदी के शासक लाल सिंह ने की है। तो राणा लाखा को गुस्सा आएगा और बिल्कुल किस पर आक्रमण करेगा? ये बूंदी के किले पर। बूंदी के किले पर आक्रमण करता है पर यह सफल नहीं हो पाता। तो सफल नहीं हो पाता तो ये क्या लेता है? एक प्रण लेता है। प्रण में क्या कहता है कि भाई मैं तब तक खाना पीना ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी के किले को नहीं जीत लेता। तो बूंदी के किले की बात करें तो बूंदी का किला आता है तारागढ़। ठीक है, बूंदी का किला आता है क्या? तारागढ़। तो ये बना दिया अपन ने बूंदी का किला जिसका नाम आता है तारागढ़। ये रहा तारागढ़। ये हमने बहुत बड़ा किला बना दिया कि इसका बूंदी का। और नाम क्या है इसका? तारागढ़। अच्छा, अजमेर में भी हमने एक तारागढ़ की बात करी थी जिसको गढ़बीठली कहते हैं। वो उसका नाम तारागढ़ क्यों था उसकी भी चर्चा हमने करी थी। तो पर अभी अपन बात कर रहे हैं कौन से किले की? बूंदी के तारागढ़ किले की। और ये बूंदी का तारागढ़ किला है और यहाँ का शासक कौन है? लाल सिंह, जिसने किसको पराजित किया? क्षेत्र सिंह को। और अब तारागढ़ की बात करें तो ये हमारा तारागढ़ किला। और इस तारागढ़ किला की खास बात क्या है कि ये तारागढ़ को बोलते हैं तिलश्मी किला। तिलश्मी किला इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इसको भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किला। और ये इसको किसने कहा? ये कहा है कि रूडयार्ड किपलिंग ने। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार जो तारागढ़ है, जो बूंदी का किला है, वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग ने इसको किसकी क्या बोला है कि भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। इसको क्या बोलते हैं? तिलश्मी किला बोलते हैं। तो राणा लाखा को गुस्सा आया और राणा लाखा ने किस पर आक्रमण कर दिया? बूंदी के किले पर आक्रमण कर दिया, पर यह असफल रहा। और असफल रहा तो इसने प्रतिज्ञा ली कि मैं खाना पीना ग्रहण नहीं करूंगा। दरबारी लोग परेशान हो गए कि राजा ने किस तरह की प्रतिज्ञा ले ली। तो इनके लिए एक नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया? नकली तारागढ़ दुर्ग। ऐसा कैसा ही रहेगा? बिल्कुल ऐसा कैसा बनाएंगे? तो ऐसा कैसा एक और किला इनके लिए बनाया गया, वो है नकली तारागढ़। ये हमने बना दिया नकली तारागढ़, ये वाला किला बना दिया। और ये है नकली तारागढ़ किला। और किसका बनाया है? ये मिट्टी का बनाया है। तो मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बनाया गया। और उस तारागढ़ दुर्ग पर अब आक्रमण कौन करेंगे? लक्ष्य सिंह। मजाक हो रहा है क्या ये? तो नकली तारागढ़ दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया और उसको जीत लिया। और जीत कर फिर जाके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तो इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह। तो बूंदी के ओरिजिनल किले को तो ये नहीं जीत पाए, पर इन्होंने नकली तारागढ़ जीता। और सबसे बड़ी बात यहाँ की आती है कि जो हाड़ा कुंभा थे, इस दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया।
तो ये बना दिया मैंने हाड़ा कुंभा, जिसके हाथ में ये है तलवार। तो हाड़ा कुंभा इस दुर्ग की रक्षा में मारा गया। कौन से दुर्ग की रक्षा में? नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा में, जो किसका बना है? मिट्टी का बना है। क्यों बना है? क्योंकि राणा लाखा को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। तो किसके पुत्र हैं? क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं। और क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं तो इनकी बात आती है, अपने पिता की मौत का बदला लेने जा रहे थे बूंदी, असफल रहे, तो नकली दुर्ग पर इन्होंने अधिकार किया, नकली दुर्ग को जीता। तो हम बात कर रहे हैं राणा लक्ष्य सिंह की, राणा लाखा की। और राणा लाखा का शासन काल आता है 1382 से 1421 ईस्वी तक। इनके शासन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देखेंगे, तो वो चीजों में हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका एक पुत्र का नाम आता है, एक पुत्र है जिसका नाम है चूड़ा। चूड़ा, और उसी तरह अगर अपन मारवाड़ की बात करें, मारवाड़, तो मारवाड़ में एक शासक हुए राव चुंडा। मैंने बात करी थी कि जो गुहिल वंश के शासक थे वो अपने अपने नाम के साथ रावल लगाते थे, रावल, जैसे रावल रतन सिंह हुए, आलू रावल हुए। और हम सिसोदिया वंश के जो शासक है अपने आगे राणा या फिर महाराणा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राव लगाते हैं। ठीक है, तो हमने तीन चीजें देखी, राव, राणा और रावल। तो मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राव लगाते हैं। और इनके दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम आता है रणमल और दूसरा पुत्र है, छोटा पुत्र, उसका नाम आता है काना। काना, ये तो क्या है? छोटा पुत्र है और ये है इनका बड़ा पुत्र। किनका पुत्र है? राणा चुंडा का, राव चुंडा का, सॉरी, राव चुंडा का बड़ा पुत्र है रणमल और छोटा पुत्र है काना। अब अगर देखा जाए तो बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनता है किसी भी शासक का, पर इन्होंने क्या किया, अपने छोटे पुत्र को शासक बना दिया। इनकी एक पत्नी आती है जिनका नाम आता है किशोर कंवरी। तो क्या बात आती है कि किशोर कंवरी जी के कहने पर इन्होंने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, को उत्तराधिकारी बनाया। किसके कहने पर? किशोर कंवरी के कहने पर। कौन आती है? इनकी पत्नी आती है। इनकी पत्नी के कहने पर, किशोर कंवरी के कहने पर इन्होंने किसको उत्तराधिकारी बना दिया? छोटे पुत्र कान्हा को। बड़े पुत्र की तो वाट लग गई, बोला कि यार मैं बड़ा हूं, मुझे उत्तराधिकारी बनना था। अब हमने बात करी कि राणा लाखा की, और राणा लाखा कहाँ के शासक है? ये शासक है मेवाड़ के। अब मेवाड़ के शासक इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई इनका आपसी संबंध ना हो। तो राणा लाखा की ये दरबार मैंने बनाया, और ये दरबार को देखो आप, ये दरबार बना दिया, राणा लाखा का दरबार है ये। और राणा लाखा के दरबार में यहाँ पर गेट लगा हुआ है और यहाँ पर राणा लाखा बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनकी दरबार में बहुत सारे लोग हैं, पर उनका यहाँ पर एक पुत्र बैठा हुआ है जिस पुत्र का नाम आता है क्या? चूड़ा। जवान पुत्र है, बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान है, तो हट्टा कट्टा नौजवान के लिए रिश्ता बिल्कुल आएगा। कहाँ से आएगा? मारवाड़ से आएगा, रणमल आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो उसे भी कुछ जागीरें चाहिए, कुछ फायदा चाहिए जीवन में। तो वो आया किसको लेकर? नारियल लेके। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। तो ये नारियल लेके आया रणमल, कहाँ पर? राणा लाखा के दरबार में। और ये है रणमल, और इसके हाथ में क्या है? नारियल है। और नारियल सबसे पहले किसने देखा? राणा लाखा ने। राणा लाखा ने नारियल देखा और कहा कि अब हमारे लिए बुढ़ापे में कौन रिश्ता ले आया है? क्या कहा?
कि अब बुढ़ापे में कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमारे लिए कौन शादी का प्रस्ताव ले आया, कौन शादी का प्रस्ताव ले आया। किसने बोल दिया? राणा लाखा ने। पर रिश्ता किसके लिए था? चूड़ा के लिए। अब चूड़ा को ये देखते ही चूड़ा ने सोचा, और चूड़ा ने यहां पर क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं, अच्छा एक और बात करेंगे, रणमल किसके लिए रिश्ता लेके आया? राणा लाखा के लिए। और किसका रिश्ता लाया? इसकी बहन का। दुल्हन की तो बात ही नहीं की। तो दुल्हन का नाम आता है हंसाबाई। तो हंसाबाई कितने साल की है? 20 साल की। राणा लाखा कितने साल का है? 62 साल 64 साल का बुजुर्ग आदमी है। ये 62 साल के, ये 20 साल की कन्या, रिश्ता आ रहा है किसके लिए? राणा लाखा के लिए। नारियल लेके आया कौन? रणमल। ठीक है, बदले में राणा लाखा के द्वारा रणमल को जागीरें प्रदान की। उस जागीर का नाम आता है धनला की जागीर। तो धनला जागीर प्रदान की। धनला का है मेवाड़ में। तो मेवाड़ में धनला की जागीर किसको प्रदान कर दी? रणमल को। क्यों प्रदान की? क्योंकि अब ये संबंधी हो गया है। और किसका रिश्ता लेके आया? बहन का रिश्ता। पर हंसाबाई की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि अगर मैं राणा लाखा से विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो हमारा पुत्र होगा वही शासक बनेगा। तो शर्त क्या है? कि जो मेरा पुत्र होगा वो क्या बनेगा? किंग बनेगा, यहाँ का महाराज बनेगा। और उस पुत्र का नाम आता है मोक्कल। क्या नाम आएगा? मोक्कल। तो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र होगा कौन? मोक्कल, जो शासक बनेगा कहाँ का? मेवाड़ का। ऐसी शर्त किसने रखी? हंसाबाई ने। क्यों रखी? मैं तभी शर्त पे शादी करूंगी जब हमारा पुत्र शासक बनेगा। पर बड़ा पुत्र कौन है? चूड़ा है। अब चूड़ा भी क्या ऐसे करेगा? क्या इधर देखो, छोटा पुत्र कान्हा को शासक बना दिया। उसके बाद रणमल ने सोचा कि यार अपना तो जिंदगी खराब हो गया, तो कहाँ गया? राणा लाखा के पास गया और अपनी बहन का ब्याह करा दिया और मोक्कल पुत्र बन गया। अब मोक्कल भी यहाँ पे छोटा है, चूड़ा बड़ा है। अब इन दोनों में शासक कौन बन रहा है? मोक्कल बन रहा है। पर चूड़ा को यहाँ पर गद्दी का कोई लालच नहीं था। चूड़ा को यहाँ पर गद्दी का लालच नहीं था, इसलिए चूड़ा के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें आती है। इसको बोलते हैं मेवाड़ का राम, मेवाड़ का राम। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इनके बारे में आती है, इनको बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। महाभारत सबने देखी है, और महाभारत में देखना कि भीष्म पितामह भी जिंदगी भर क्या करते हैं? गद्दी की सुरक्षा करते हैं पर शासक नहीं बनते हैं। तो चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं गद्दी का लालच नहीं करूंगा, मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए। मेरे पिताजी का जो पुत्र है मोक्कल, वो यहाँ का शासक बनेगा और मैं इसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो मेवाड़ के भीष्म पितामह कौन है? चूड़ा है। और मेवाड़ का राम भी किसे कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है। तो हमने बात की मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ में जो चुंडा है उनके दो पुत्र हुए, रणमल और कान्हा। कान्हा उत्तराधिकारी बना किसके प्रभाव में आगे? किशोर कंवरी के प्रभाव में आगे। और रणमल ने अपनी बहन का विवाह हंसाबाई का किससे करवाया? राणा लाखा से, जिनका पुत्र मोक्कल क्या बनेगा? शासक बनेगा अगला। तो ये तो राणा लाखा के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की हमने बात की कि इनकी शादी किस प्रकार हुई। आगे और देखते हैं कि इनके जीवन की और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राणा लाखा। राणा लाखा जिनका शासन काल आता है 1382 से 1421 ईस्वी तक। अच्छा, तो हमने यहाँ पर बात करी राणा लाखा की। अच्छा, हमने एक बात करी यहाँ पर कि जो चूड़ा है उसने प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा ली तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जो चूड़ा है उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसको जागीरें प्रदान करी। इसको कुल जागीरें दी 16 जागीरें प्रदान करी। जो राजा का क्षेत्र होता था, जैसे राजा है तो ये राजा का पूरा जो राज्य है उसमें क्या है, बहुत सारे गांव आते हैं। और बहुत सारे गांवों में क्या होता है, इतनी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए अपन बहुत सारे जागीरदार चाहिए।
तो कुछ गांवों के समूह पर एक जागीर बना दिया जाता था और उस जागीर को किसी एक निश्चित व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। इस तरह से पूरे राज्य पर राजा का अधिकार होता था। तो चूड़ा है, चूड़ा ने जागीरें प्रदान की किसको? राणा चूड़ा को। चूड़ा को जागीरें प्रदान की, कितनी जागीरें प्रदान की? 16 जागीरें प्रदान की। और जो चूड़ा के चूड़ा जो चूड़ावत सरदार होते हैं वो ही राजा की अनुपस्थिति में मेवाड़ के राज्य को संभालते थे। तो राणा की अनुपस्थिति में राज प्रभार संभालना भी इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, राज प्रभार संभालने के साथ साथ जो मेवाड़ की सेना का जो पहला भाग होता था जिसको हरावल भाग बोलते हैं वो भी चूड़ावत सरदार का होता था। तो सेना का हरावल भाग की जिम्मेदारी कौन संभालता था? चूड़ावत सरदार संभालते थे। तो इस तरह राणा लाखा में ने चूड़ा को क्या क्या शक्तियां प्रदान की उनकी बात हम कर रहे हैं कि राणा लाखा ने चूड़ा को जिम्मेदारी सौंपी, 16 जागीरें सौंपी। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में राजभार कौन संभालेगा? चूड़ावत सरदार संभालेगा। और सेना का हरावल भाग की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है। सेनापति की तरह राज तिलक कौन करता था? राज तिलक की जिम्मेदारी भी किसकी थी? चूड़ावत सरदार की हुआ करती थी। तो राणा लाखा के काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने करी, और भी बाकी बातें हैं राणा लाखा के बारे में जो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो राणा लाखा के बारे में एक बार ध्यान से समझना और आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी हम बात करेंगे। और राणा मोगल की भी अगली कक्षा में हम बात करने वाले हैं, जो किसके पुत्र हुए? राणा लाखा और हंसाबाई के। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।